आज हम राजस्थान के अफवाह तंत्र एवं झीलें का अध्ययन करेंगे। राजस्थान का अफवाह तंत्र या प्रणाली, हम अफवाह तंत्र पढ़ने से पहले, झीलें पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अफवाह क्या होता है, अफवाह तंत्र किसे कहते हैं, अफवाह प्रतिरूप किसे कहते हैं, झील किस प्रकार की एक किस प्रकार का रूप है, झील हम किसे कहें। विद्यार्थी के लिए इन शब्दों का अर्थ समझना बहुत जरूरी है, विशेषकर भूगोल के विद्यार्थियों के लिए। आज हम राजस्थान के अफवाह तंत्र को और झीलों के बारे में अध्ययन करने से पहले अफवाह तंत्र, अफवाह, अफवाह प्रतिरूप और झील के बारे में अध्ययन करेंगे। इनको जानेंगे कि अफवाह तंत्र क्या होता है, अफवाह प्रतिरूप क्या होता है, झील किस प्रकार के स्थलाकृति को हम कहें। जैसा कि बोर्ड पर अंकित है, हम बिंदुवार इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला जो बिंदु आपके सामने रखा गया है, अफवाह तंत्र। अफवाह है किसी नदी के माध्यम से जल के बहने की एक प्रक्रिया है। अफवाह है तंत्र जो किसी प्रदेश की समस्त नदियों एवं उनकी सहायक नदियों या जलधारों के तंत्र को अफवाह तंत्र कहा जाता है। जैसे एक मुख्य नदी है, मुख्य नदी की कई सहायक नदियाँ होती हैं, वो सब मिलकर के किसी भी क्षेत्र में हों, किसी भी भूभाग पर हों, वो सब मिलकर के अफवाह तंत्र का निर्माण करते हैं। इसको जानने के लिए अक्सर से अगर हम कहें कि किसी भी प्रदेश या क्षेत्र में नदियों के स्वभाव, उनकी उत्पत्ति तथा समय के साथ उनके विकास के क्रम को अफवाह तंत्र कहा जाता है। वास्तव में किसी प्रदेश की समस्त नदियों एवं उनकी सहायक जलधारों के तंत्र को अफवाह तंत्र कहते हैं। तो आप पहले अफवाह तंत्र समझ गए होंगे, अब हम अफवाह प्रतिरूप की बात करते हैं। अफवाह प्रतिरूप अफवाह तंत्र का ज्यामितीय आकार होता है, जिसे हम देख करके ये कह सकते हैं कि इस नदी का अफवाह प्रतिरूप जो है जालीनुमा है या आयताकार है आदि आदि। ये जो बिंदु हैं इनका विस्तृत अध्ययन हम फिजिकल ज्योग्राफी में करेंगे।
अगर हम अपवाह प्रतिरूप को अगर एक लाइन में कहें तो हम कह सकते हैं किसी भी प्रदेश या क्षेत्र में अपवाह तंत्र के ज्यामितीय आकार तथा सरिताओं की स्थानिक व्यवस्था को अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। इनके अगर उदाहरणों की हम बात करें, जैसे जालीनुमा आयताकार वृक्षाकार प्रतिरूप आदि आदि। अब हम झील की बात करते हैं। झील की अगर सुस्पष्ट परिभाषा या इसको परिभाषित करना या प्रस्तुत करना, परिभाषा को झील की, बहुत कठिन कार्य है, क्योंकि अधिकांशतः ये कहा जाता है कि झीलें जो हैं स्थल के आंतरिक भाग में स्थित जलपूर्ण गर्त होती हैं, लेकिन ऐसा कहना न्यायोचित नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि कुछ झीलें बाहरी भागों पर भी पाई जाती हैं, और इसका जो उदाहरण एक अपन लें तो भारत में पश्चिमी तट के सहारे अनेक लेगून हैं, और वो लेगून झीलों का उड़ीसा के तटीय भाग पर स्थित चिल्का झील निश्चय ही स्थल भाग के किनारे पर स्थित एक बड़ी झील का उदाहरण है। तो हम झील को परिभाषित करने के लिए ये कह रहे थे कि आंतरिक भाग के जलपूर्ण गर्त जो होते हैं वो झीलें हैं। दूसरी तरफ ये भी कहा गया कि उड़ीसा की जो चिल्का झील है वो आंतरिक भाग से बाहर तटीय भाग पर स्थित है, वो भी एक बड़ी झील है। इसलिए इसकी परिभाषा को शब्दों के जाल में पिरोना बहुत ही कठिन कार्य है। अब हम इसको परिभाषित करते हैं कि झील की सुस्पष्ट परिभाषा प्रस्तुत करना प्राय कठिन कार्य है। सामान्य रूप से झील भूतल के वे विस्तृत गहरे गड्ढे होते हैं जिनमें जल भरा होता है। इस तरह की झीलें स्थल के आंतरिक भाग में स्थित जलपूर्ण होती हैं, लेकिन झील को आंतरिक जल भाग कहना भी न्यायोचित नहीं है, क्योंकि कुछ झीलें स्थल के बाहरी भागों पर भी पाई जाती हैं, जैसा कि आपको उदाहरण बताया, भारत के पश्चिम लेगून झीलें हैं, उड़ीसा के तट पर चिल्का झील है। तो ये सब झीलें स्थल के बाहरी भागों में हैं। अब हम बात करें कि इसको कैसे परिभाषित किया जाए। तो इस तरीके के लिए कहा गया कि झीलों को परिभाषा की दृष्टि से शब्दों के जाल में बद्ध करना कठिन है। कुछ अपवादों को छोड़कर हम साधारण तौर पर
झील की निम्न परिभाषा प्रस्तुत कर सकते हैं। झील जल के वे स्थिर भाग होती हैं जो चारों तरफ से स्थल खंडों से घिरी होती हैं तथा स्थल भाग में स्थित होती हैं। झील की दूसरी विशेषता उसका अस्थायित्व है। झीलें बनती हैं, विकसित होती हैं, धीरे धीरे तलछट से भरकर दलदल में बदल जाती हैं तथा इनमें उत्थान होने पर समीपी स्थल के बराबर हो जाती हैं। इस तरह कहा जा सकता है कि झील स्थल पर स्थित जल के अस्थाई स्वरूप होती हैं। तो आज हम राजस्थान का जो अपवाह तंत्र है इसको पढ़ने से पहले इनमें जो मुख्य शब्दावली आती है उनको हमने समझने का प्रयास किया। अब हम राजस्थान के अपवाह तंत्र को लेकर के एक सामान्य परिचय की तरफ बढ़ते हैं, जो इनमें हम मुख्य जो बिंदु होंगे कि हम किन किन का क्रमवार अध्ययन करेंगे हम उस पर बात करते हैं। तो राजस्थान का जो अपवाह तंत्र है इसके बारे में मुख्य तौर पे अगर कहा जाए तो राज्य की अपवाह प्रणाली को तीन भागों में बांटा गया है। एक अरब सागरीय अपवाह तंत्र, अर्थात राजस्थान की वे नदियाँ जो राजस्थान के या राज्य के आंतरिक भागों से निकल करके और अरब सागर में जाकर के गिरती हों, या कोई राज्य से निकल करके नदी किसी बड़ी नदी में जाकर के और उसके माध्यम से राज्य की नदियों का जल अरब सागर में पहुंचता है, अरब सागरीय अपवाह तंत्र कहलाता है। अरब सागरीय जो अपवाह तंत्र की मुख्य जो नदियां हैं वो हैं लूनी, माही, सोम, जाखम, पश्चिमी बनास, साबरमती आदि। अब हम बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र की बात करते हैं तो इसमें राज्य की वही नदियां हैं जो जिनका पानी बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरता हो। इनमें मुख्य रूप से चंबल, बनास, बेड़च, गंभीरी, खारी, पार्वती, काली सिंध, बाणगंगा, इन नदियों का जो जल है वो बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरता है, इसलिए इन्हें बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र के नाम से पुकारते हैं। सबसे बड़ी जो अपवाह तंत्र में राजस्थान की जो विशेषता हम देखते हैं वो है आंतरिक जल प्रवाह की या आंतरिक अपवाह की नदियाँ या आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियाँ। राज्य में आंतरिक अपवाह तंत्र के अंतर्गत घग्गर नदी, कांतली नदी, साबी नदी, काकनेय अथवा काकनी नदी, मेंथा या मंथा, रूपारेल, रूपनगढ़ आदि जो नदियां हैं ये नदियां राज्य की आंतरिक जल प्रवाह का हिस्सा हैं। अब हम झीलों की विशेषताओं को देख करके राज्य की जो प्रमुख
झीलें हैं उन पर हम बात करें, तो हमें उनकी जो पानी की विशेषताओं के आधार पर राज्य की खारे जो झीलें हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। एक खारे पानी की झीलें जिनमें प्रमुख हैं सांबर झील, डीडवाना झील, पंचपद्रा झील और लून करण सर झील। अब हम दूसरे नंबर पे या बी मीठे पानी की झीलें। अब मीठे पानी की झीलों में प्रमुख रूप से जैसमंद झील, राजसमंद झील, पिछोला झील, आना सागर झील, सिलीसेट झील, कोलायत और पुष्कर झील। तो हम नेक्स्ट वीडियो में जो हम अध्ययन करेंगे तब हम इनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।